नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रुमाना इसाल खान और लेकर आई हूं आपके लिए बीती रात आई साल की सबसे बड़ी खबर। रात हुआ है साल का सबसे बड़ा हत्याकांड। प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रात 10:30 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया गया। 10:30 बजे माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ को गोली उस वक्त मारी गई जब दोनों को मेडिकल जांच के लिए प्रयागराज पुलिस अस्पताल लेकर जा रही थी। दोनों को मीडिया कर्मी बंद कराए हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। एबीपी न्यूज पर रात भर से जारी है यह नॉनस्टॉप कवरेज। ऐसा डबल मर्डर है जो पहली बार कैमरे पर देखने के लिए मिला है। आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको एक बार को एहसास नहीं होगा कि यह सच में हुआ है या कोई फिल्मी सीन है जो आप पर देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये दोनों माफिया ब्रदर्स पुलिस लेकर जा रही है। मीडिया के सवालों का अतीक जवाब दे रहा है और अचानक से कोई समझ भी नहीं पाता कि हुआ क्या है। पुलिस वालों को भी ऐसा लगता है कि शायद भीड़ से कोई माइक है जो निकल कर आया है, लेकिन दरअसल वो माइक नहीं होता है, वो होती है पिस्टल जो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज पर आकर अतीक के सिर में गोली मारी जाती है, जिससे और इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियों का सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि यूपी पुलिस के कर्मी कुछ समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है और सब अचानक से पीछे हटते हैं। और उसी दौरान मिनटों के अंदर इन दोनों माफिया ब्रदर्स का काम तमाम करने के बाद वो तीन आरोपी जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई होती हैं अपने हथियार वहीं नीचे रखते हैं, हाथ ऊपर करके सरेंडर सरेंडर चिल्लाने लगते हैं और उसके बाद यूपी पुलिस तीनों को अपने कब्जे में ले लेती है। फिलहाल ये आज सुबह की तस्वीर है। रात में जिस तरीके से दहला प्रयागराज, उसके बाद आज सुबह की पहली तस्वीर प्रयागराज की। क्या है प्रयागराज में इस वक्त हालात, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से। संजय, इस वक्त प्रयागराज का आज सुबह का सूरत हाल जल्दी से दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल दिखाता हूं रोमाना, लेकिन सबसे पहले वो इस जगह आपको दिखा देता हूं जो प्रयागराज का मंडली चिकित्सालय है, जहां पर ये शूटआउट हुआ था, वहां की तस्वीरें सबसे पहले रोमाना देख लें। इस जगह को पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, घेर दिया गया है, किसी को भी यहां पर आने जाने की अनुमति नहीं है। और यही वो जगह है जहाँ शूटआउट हुआ था। ताबड़तोड़ गोलियाँ चली थी रोमाना, और कई गोलियाँ अतीक और अशरफ को तो लगी ही, लेकिन मैं दिखाऊँगा कि यहाँ कई सारी गोलियाँ आपको दिखेंगी जमीन पर जो लगी है, और उनमें जो फर्श है उसको भी तोड़ दिया है। तो इतनी ज़बरदस्त गोलीबारी यहाँ पर हुई थी। मैं कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। ये भीतर में जो गोलियाँ चली हैं एक के बाद एक, देखिए गोलियों के निशान, जैसे जैसे सुबह हो रही है वैसे वैसे यहाँ पर जो वारदात है उसके निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं रोमाना। और यही पर वो जो हॉस्पिटल बना हुआ है, इसी में अतीक और अशरफ दोनों के शव रखे हुए हैं और यहीं पर सबको रोक दिया गया है जाने से। माहौल की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं इस वक्त जो आप संजय त्रिपाठी माहौल दिखाइएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।